6 महीने पहले खरीदा था मोबाइल, चार्जिंग के वक्त बैटरी फटने से हुई बच्चे की मौत। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चार्जिंग मोड पर रखे मोबाइल फोन की बैटरी अचानक फटने से 8 महीने की बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मोबाइल लगभग 6 महीने पहले ही खरीदा गया था। फोन को एक सौर पैनल से जुड़े स्विच में चार्जिंग के लिए लगाया गया था। विस्फोट के वक्त बच्ची नेहा की माँ कुसुम कश्यप कमरे में नहीं थी। जब माँ ने विस्फोट की तेज आवाज सुनी तो दौड़ती हुई कमरे में पहुंची और देखा कि बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यह माता पिता की लापरवाही का मामला है। बच्चे के पिता सुनील कुमार कश्यप मजदूर है और बिना बिजली के एक निर्माणाधीन घर में रहते हैं। उनका परिवार मोबाइल फोन को चलाने और चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट और बैटरी का उपयोग करता है। इससे पहले यूपी के महोबा में ही सुरेश कुमार का 12 साल का बेटा आशीष कुमार मोबाइल के साथ खेल रहा था। इसी दौरान अचानक मोबाइल में विस्फोट हो गया और मोबाइल की बैटरी फटने से मासूम उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों के मुताबिक आशीष का हाथ और सीना पूरी तरह से जख्मी हो गया था। परिवार के लोग उसे गंभीर हालत में महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था। आप सभी के इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।